नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित। आज हम चर्चा कर रहे हैं विश्वकर्मा पूजन विधि पर। आज आपको बहुत सरलतम से बताएंगे कि विश्वकर्मा पूजन करवाना कितना सरल है। यह प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, उसी दिन पूजन किया जाता है विश्वकर्मा जी का। विश्वकर्मा जी जो है उनको देव शिल्पी कहा जाता है। देखिये, सबसे पहले तो आप विश्वकर्मा जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विश्वकर्मा जी क्या क्या किए हैं, कैसे किए हैं, उससे क्या होगा जब आप पूजन करवाने जाएंगे तो पहले थोड़ा सा समा बांधेंगे। ठीक, आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक के बारे में थोड़ा सा पहले लिखा रहता है। उसी प्रकार से जब आप पूजन करवाने बैठे तो थोड़ा सा विश्वकर्मा जी का जयकारा वगैरह लगा करके और फिर उनके बारे में कुछ बताएं कि विश्वकर्मा जी जो है वो देव शिल्पी हैं, स्वर्ग लोक का निर्माण किए और इंद्र के लिए अमरावती का निर्माण किए, भगवान शंकर जी के लिए त्रिकूट पर्वत पर लंकापुरी का निर्माण किए थे, इसी प्रकार से हस्तिनापुर में हस्तिनापुर का निर्माण किए पांडवों के लिए। ठीक, इस प्रकार से और द्वारिका में भगवान कृष्ण के लिए द्वारिका महल का निर्माण किए और सुदामा जी के लिए, सुदामा जी के जो नगरी है उसका निर्माण किए थे। इस प्रकार से आप विश्वकर्मा जी के बारे में पहले बताएं। ठीक, विश्वकर्मा जी उस समय के इंजीनियर थे, आज भी हैं, ऐसा नहीं है, आज भी वो इंजीनियर हैं। उन्हीं की कृपा से, जो लोग बड़े बड़े मैकेनिकल होते हैं उन्हीं की कृपा से होते हैं। ठीक, तो पहले आप उनके बारे में बताइए, उसके बाद फिर आप पूजन प्रारंभ करिए। जब आप पूजन शुरू करते हैं तो उससे संबंधित एक हमारा वीडियो है, साइड में आपको दिखेगा, उसको देख लीजिए कि पूजन शुरू करने में यदि आपको समस्या होती है तो कहाँ कहाँ समस्या हो सकती है, उसको कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, पूजन आप शुरू करेंगे, सबसे पहले पंचांग देवताओं का पूजन करेंगे, पृथ्वी, गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह का पूजन करवाइए। कुछ आचार्य जी लोग षोडश मातृका का भी करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते, कोई दिक्कत नहीं, यदि व्यवस्था है तो करवा दीजिए, नहीं है तो मत करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी, गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, दीप इत्यादि का पूजन करवाने के बाद फिर भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन करवाया जाता है। देखिए, विश्वकर्मा जी की कहीं पर मूर्ति रहती है, कहीं फोटो रहती है। ठीक है, मूर्ति में प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता होती है और फोटो में प्रतिष्ठा की विशेष आवश्यकता नहीं होती, केवल आवाहन मंत्र बोल दिया जाता है, बस। ठीक है, अब आपको बताऊंगा आवाहन और ध्यान मंत्र विश्वकर्मा जी का। तो विश्वकर्मा जी का पूजन करवाते वक्त सबसे पहले ध्यान करना है और ध्यान मंत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब इसको बोलना है। तो चलिए, अब हम विश्वकर्मा जी के वैदिक मंत्र पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। मैं आपको तीन मंत्र बताऊंगा जिसमें से एक वैदिक मंत्र है, इसके बाद एक लौकिक मंत्र ध्यान का है, फिर एक लौकिक मंत्र आवाहन का है। ठीक, इन तीनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। सबसे पहले वैदिक मंत्र ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं प्रयास करूंगा एक दिन बाद, यानी कि अगले दिन, आपको विश्वकर्मा जी का ये जो मंत्र है इसको पढ़ा करके समझा करके बताऊं। ठीक है, चलिए अभी आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। हरि ओम मां विश्वकर्मन् हविखावर्धानेन तरातारमिन्द्रामाकृणो रावधियं मां। इस लाइन को आप लोग फिर से सुने। ठीक है, हरिः ॐ मां विश्वकर्मन्हाभिखावर्धनेन तरातारमिन्द्रामाकृणो रावधियं मा। अब दूसरी लाइन आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तस्मै विसह सामानामन्ता पूर्वे रामगरो बिहवियौ जथा साथ। फिर से ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। तस्मै विसह सामानामन्ता पूर्वे रामगरो बिहवियौ जथा साथ। चलिए, एक और लौकिक आप ध्यान मंत्र, इसे आप कॉपी पेन में लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में और सरलता हो। ठीक है, चलिए मंत्र, एक कॉपी किताब से मैं खींचा था इसको फोटो, तो थोड़ा सा समस्या हो रही है इसको आप लोग को दिखाने में, लेकिन प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए। ओम दंशपाल महावीर सुचित्र कर्म कारक विश्वकृत विश्वधृक्षत्वम वसनामान दंडधृक। फिर से ध्यान दीजिए। दंशपाल महावीर सुचित्र कर्म कारक विश्वकृत विश्वधृक्षत्वम वसनामान दंडधृक। इतना बोलने के बाद ये क्या है, ध्यान मंत्र है। ठीक है, और इसके बाद फिर बोला जाता है, भो विश्वकर्मन इहागच्छ इहतिष्ठ अत्राधिष्ठान कुरु कुरु मम पूजा गृहाण। अर्थात आप आइए, यहाँ पर क्या हुए, तिष्ठ अत्राधिष्ठानम, यहाँ पर क्या हुए, बैठिए। कुरु कुरु मम पूजा गृहाण, मतलब मैं जो भी पूजा कर रहा हूँ उसे आप ग्रहण कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से उनका आवाहन किया जाता है।
मतलब ध्यान किया जाता है। इसके बाद एक आवाहन मंत्र है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत सरल है, ठीक है। आवाहन मंत्र है, आवाहयामि देवेशम विश्वकर्माणमीश्वरम मूर्तः मूर्तकरम देवम सर्वकर्तारम अद्भुतम। फिर से ध्यानपूर्वक सुनिए, आवाहयामि देवेशम विश्वकर्माणमीश्वरम मूर्ता मूर्तकरम देवम सर्वकर्तारम अद्भुतम। ये क्या है? ये आवाहन मंत्र है, ठीक। इससे आप भगवान विश्वकर्मा जी को बुलाएंगे, ठीक। इसके बाद बात करें आवाहन मंत्र, आवाहन मंत्र हो गया। इसके बाद प्रार्थना मंत्र, यहीं पास दिया है, इसे आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद पूजन के बाद जब प्रार्थना करें तब इसको बोलें। प्रार्थना मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, इसे कॉपी पेन में लिख लीजिए। पूजन के बाद जब प्रार्थना किया जाता है तब इसको लास्ट में बोल करके प्रार्थना करें, ठीक है। और आवाहन जो मंत्र था, आवाहन मंत्र बोलने के बाद फिर ये यह शब्द भी बोल सकते हैं, त्रैलोक्य सूत्र कर्तारम द्विभुजम विश्वदर्शितम आगच्छ विश्वकर्मस्त्वम यज्ञेस्मिन सन्निधो भव। अर्थात हे विश्वकर्मा जी, आप आइए यहाँ पर, मेरे जो ये यज्ञ कर रहे हैं इसमें हमारे सन्निधो, हमारे पास में आकर के विराजिए, ठीक। प्रार्थना मंत्र अब आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, नमामि विश्वकर्माणं द्विभुजं विश्ववंदितं गृहवास्तु विधातारं महाबलपराक्रमं। इसको आप और अच्छे से भी गा सकते हैं, ठीक है, मुझसे बहुत विशेष अच्छे से गाते नहीं बनता है। नमामि विश्वकर्माणं द्विभुजं विश्ववंदितं गृहवास्तु विधातारम महाबल पराक्रमम। केवल ध्यान और आवाहन मंत्र सब देवताओं का अलग अलग रहता है, तो विश्वकर्मा जी का भी जो ध्यान आवाहन मंत्र है उसे आप विश्वकर्मा जी का बोल दीजिए। उसके बाद पाद्य अर्घ आचमन स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत गंध चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल प्रसाद श्रीफल दक्षिणा हो गई पूजा। इसी क्रम से पूजा करवा दीजिए, फिर लास्ट में प्रार्थना बोल दीजिए। प्रार्थना में आप ध्यान मंत्र को ही रिपीट कर सकते हैं, यदि कोई प्रार्थना मंत्र आपको नहीं पता है तो प्रार्थना उसी को बोल दीजिए। इतना करने के बाद फिर इसके बाद जो मैकेनिकल आइटम होते हैं उनकी पूजा होती है। यदि आप मान लीजिए बिजली घर में करवाते हैं तो वहाँ ट्रांसफार्मर और बोर्ड इत्यादि बड़े बड़े रहते हैं, पिचकस प्लस प्लस इत्यादि रहते हैं, उनका पूजन, इनके पूजन में कोई विशेष मंत्र नहीं बोला जाता। थोड़ा सा कुसा या फूल या दूरवा से जल छोड़ा जाता है, हल्दी सिंदूर इत्यादि लगा दिया जाता है, धूप बत्ती, बस इतने में पूजन हो जाता है, ठीक। यदि आप मान लीजिए रेलवे विभाग में पूजन करवाने जाते हैं तो वहाँ भी अंदर बहुत से आइटम मतलब इंजीनियरिंग वाले रहते हैं, उनका पूजन। नहर विभाग में जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ मशीनें होती हैं, उनके पूजन में विशेष कोई मंत्र नहीं बोला जाता, केवल अक्षत जल छोड़ा जाता है। कहीं कहीं जैसे बिजली वाला, मैं पावर हाउस में पूजन करवाता हूँ तो वहाँ बिजली में थोड़ी ना छोड़ेंगे जल, वहाँ पर जल नहीं छोड़ते, फिर जल बाहर छोड़ देते हैं, और हल्दी चंदन इत्यादि जहाँ लगाने की संभव हो सके वहाँ लगा देना चाहिए, ठीक। इतना सरल है विश्वकर्मा पूजन, बहुत ही। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि सीखने के लिए मिला हो तो गोपाल पंडित जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको आवश्यकता है उनके पास शेयर करें। इसी प्रकार से नई नई वीडियो के लिए आगे देखते रहें गोपाल पंडित जी यूट्यूब चैनल। फिर मिलता हूँ किसी नई और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।